please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश के नंबर वन बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पहला सौदा और करीब करीब डेढ़ मिनट बचे हैं भारतीय बाजारों को खुलने के लिए और हांगकांग के बाजारों ने देखिए आज मूड बनाने का काम भारतीय बाजारों का किया है। घंटे भर पहले करीब करीब 100 पॉइंट नीचे थे और अब आप देखिए 200 पॉइंट के आसपास का उछाल, तो निचले स्तरों से करीब करीब 300 पॉइंट की शानदार रिकवरी और अमेरिका के बाजारों ने तो जबरदस्त तेजी दिखाई थी, 300 पॉइंट की बढ़त डाउ में देखने को मिली थी शुक्रवार के सेशन में। एक रिलीफ का दिन खुलने के लिहाज से कम आज होने का लग रहा है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ही देर में अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। लेकिन भसीन साहब, ये जो सेबी ने कहा है कि रात को 11:55 तक कामकाज शुरू रह सकता है वायदा में, ये बताइए आप कैसे पढ़ रहे हैं इसको? ब्रोकिंग हाउसेस के लिए कैसी खबर है, एक्सचेंजेस के लिए किस तरह की खबर है और आज क्या किसी शेयर में इस खबर के चलते एक्शन देखने को मिल सकता है आपके लिहाज से? तो हेमंत, उसमें मैं तीन आपको पॉइंट्स बोलूंगा। एक, आई थिंक ये मेजर जो होगा ये ओवरकिल कर देगा मार्केट को। अच्छा, 12 बजे रात तक आप तो थका देंगे। दूसरा, अच्छा रेवेन्यू सर्च है बट आई थिंक रेवेन्यू ओवर द पीरियड में नॉट टेंड टू इंक्रीज एज मच एज इज बीइंग अज्यूम। साथ में इसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी इंक्रीज करेंगे। सेकेंडली, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रिस्क कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर कॉन्डूट्स। और तीसरा, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मैं कई साल हांगकांग के बाजार में ट्रेड करता था, वो 2 घंटे के लिए लंच ब्रेक करते थे, वो कहते थे हम कमाते हैं खाने के लिए, आपके यहाँ तो 10 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक नहीं होता, तो अगर आप ब्रेक रखें तो लंच और शाम की चाय वगैरह का ऐसा सुविधान कीजिए जिससे आदमी थकान की वजह से यही ना सो जाए, उसके लिए थोड़ा समय आए। तो मेक इट मोर वर्केबल एंड मोर एंजॉयबल सो दैट पीपल कैन एटलीस्ट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट। बिल्कुल, केवल वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी फर्क पड़ सकता है इसका। ऑडियंस सुबह कह रहे थे कि हमारे बाल सफेद होने का खतरा है, लेकिन और बागले साहब तो कह रहे हैं बाल बचेंगे ही नहीं। एक बार सच्चिदानंद उत्तेकर जी से ही पूछें, देख ले बाजार की शुरुआत के ट्रेंड क्या दिखाई दे रहे हैं, एक नजर डालिए रुपए पे भी, क्योंकि वहां पर एक हमने प्रेशर आते हुए देखा है पिछले सेशन में जो 4 हफ्ते से लगातार रुपया भी गिर रहा था। तो पहले बाजार के क्यूज आपके सामने, इस वक्त आप देख सकते हैं निफ्टी 10660 के आसपास, 40 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स में हालांकि उतनी तेजी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो हम बात कर रहे थे उसके हिसाब से बीएसई को फायदा होना चाहिए था, तो बीएसई का स्टॉक ऊपर खुला है, हालांकि वॉल्यूम अभी बहुत ज्यादा नहीं है। नोसिल जिस स्टॉक की हेमंत खासतौर पर बात कर रहे थे वहां पर भी एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। इंडेक्स के हैवी वेट्स पर नजर डालें तो खासतौर पर आज के दिन हमारी नजर आईसीआईसीआई पे बनी रहेगी, क्योंकि नतीजे इतना आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और उसके पहले वहां पर कैसी शुरुआत हो रही है वो देखिए। फ्लैट सा खुलता हुआ भारतीय एयरटेल में पिछले सेशन की तेजी बरकरार है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पे दबाव है और लुपिन पे भी दबाव है, मन जैसे आप उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल, तो लुपिन पे तो आज प्रेशर रहने वाला है, हम आपको विस्तार से बताएंगे थोड़ी देर में इस स्टॉक को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सचिन जी, ये मूव जो है एक्सचेंजेस का, आपके दोस्त वागले साहब तो नाराज हैं, भसीन साहब भी कह रहे हैं कि बीच में लंच ब्रेक होना चाहिए, कुछ कोई ख्वाहिश कोई चीज आपकी तरफ से? नहीं, आई थिंक अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो आई थिंक एक थोड़ा लिमिटेड पीरियड कंसिडर करना चाहिए, बट आई थिंक जिस तरीके से ये पूरी यू नो मूव होगी, आई थिंक कहीं पे थोड़ी सी अनफीजिबल हो सकती है। तो नाराजगी थोड़ी है बट लेट्स सी। लेकिन भसीन साहब, अगर जो सबसे खास डिमांड है कि SGX पे चूंकि काफ़ी वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है तो उसको यहाँ पर लाने की कोशिश हो रही है, अगर सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड होता है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और कुछ पॉपुलर इंडेक्स, आईटी इंडेक्स वगैरह में ट्रेड होता है जैसे कि SGX पर हुआ करता है, तो उस हिसाब से क्या लगता है फिर आपको कि मैनेजेबल होगा? बट प्रदीप, विल इट बी वर्थ द एफर्ट? आप कह रहे हो कि हम वॉलेटिलिटी कम करना चाहते हैं, मैंने ऐसी कोई मार्केट नहीं देखी जो बिना वॉलेटिलिटी के रहेगा। आपने देखा था डाओ में लास्ट ईयर कोई वॉलेटिलिटी नहीं हुई और वो एक अनसीजनली स्ट्रेट लाइन में गया, और उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने से तो आप रोज वॉलेटिलिटी से जूझ रहे हो। तो देर इज नो सच थिंग एज नो वॉलेटिलिटी एंड यू कैनॉट क्रिएट सच सर्कमस्टांसेस, वॉलेटिलिटी विल परसिस्ट। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नोशनली यू हैव अ बेटर कॉन्डूट के रात की क्लोजिंग क्या और सुबह की,
वो एक यू नो मैं आपको उदाहरण दूं, जब मैं शेयर बाजार में आया था तो 12 बजे खुलता था और 2:30 बजे बंद हो जाता था, क्योंकि वहां पे आउटक्राई सिस्टम था। उस समय भी बाजार चलता था और उस समय भी लोगों पे काफी वॉल्यूम और यू नो सब तरह की नुआंसेस चलते थे। तो आई एम ऑफ द व्यू के इट्स एन ओवर किल, बट लेट्स सी, इट्स यू इफ यू आर एडिक्वेटली कॉम्प्रिहेंसिव विद द चेंजेस विच आर देयर, सो बी इट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सब एडजस्ट कर जाएंगे इसमें। काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं और तमाम मुद्दों पर सेबी ने कहा है अपने ऑर्डर में कि आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी और कन्विंस करना पड़ेगा रेगुलेटर को कि आपने सभी चीज़ों का ख्याल रखा है, कि आप तैयार हैं, ब्रोकर तैयार हैं और उनके क्लाइंट भी तैयार हैं। जब एक्सचेंजेस सेबी को यह प्रेजेंटेशन देंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उसके बाद ही मंजूरी मिलेगी। और काफ़ी ब्रोकर सेबी कह रहे थे हेमंत कि ये तो हो गया क्या, तो ये भी खास ध्यान रखने वाली बात है कि उस प्रेस रिलीज में साफ तौर पे कहा गया है कि ये एनेबलिंग प्रोविजन है। इसके बाद स्पेसिफिक कि आप दरअसल कितने बजे तक ट्रेड करना चाहते हैं और किस प्रोडक्ट में, किस स्टॉक में, किस इंडेक्स के डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में या दोनों में कहां कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, वो प्लान अभी बनाकर एक्सचेंज ले जाएंगे, फिर से भी फाइनल अप्रूवल देगा, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन फिलहाल चलिए आज के ट्रेडिंग की बात करते हैं, लौटते हैं बाजार की तरफ। प्री ओपन सेशन सेटल होता हुआ 10,660 के आसपास। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज स्टॉक 2020 में हमारे कप्तानों ने किन स्टॉक्स को चुना। मेरी पूरी टीम देखिए बल्लेबाजों से भरी हुई है और बीएससी सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स आज चुने हैं, जिस तरह से वायदा में कारोबार अब 11:55 तक चला करेगा, 3:30 जब कैश मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद भी ये कारोबार होगा। ये सेबी ने नए नियम जारी किए हैं, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये नए नियम आए जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। तो फिर ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, इस पर रखिएगा नज़र। और इसीलिए देखिए आखिरी में 5paisa.com जैसी कंपनियां, IFCI जैसी कंपनियां जिसके पास NSE में हिस्सेदारी है, फ्रीट का दर्जा एडलवाइज को दिया है और पिंच हिटर का दर्जा IIFL को दिया है, तो इस थीम के ऊपर भरोसा किया है। इसके अलावा नोसिल को भी टीम में जगह दी है क्योंकि इसके नतीजे बहुत ही शानदार आए बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को, और इसीलिए अब कनौरिया केमिकल्स पर भी रखिएगा नज़र जिसके अगले हफ्ते नंबर्स आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स लगातार थिरुमलाई ने भी पेश किए और ये केमिकल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। FDC के लिए अच्छी खबर, USFDA ने इंस्पेक्शन करने के बाद क्लीन चिट जिस तरह से इनके प्लांट को दी है। इसके अलावा नजर रखिएगा एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी, डीमार्ट के नाम से ये चेंज कराने वाली कंपनी है और इसने भी शनिवार को बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। खरीदारी पे मेरा भी पूरा फोकस है, 10 के 10 शेयर आपको यहाँ पे खरीदारी वाले मिलेंगे। फोर्टिस हेल्थ रिवाइज्ड इसमें से डील आई है TPG की तरफ से, तो उस पर नज़र रखें। वी मार्ट और फ्यूचर रिटेल क्योंकि डीमार्ट के नतीजे हैं बहुत बढ़िया, तो पूरे सेक्टर में तेज़ी बनेगी। JPSO में नज़र रखिए क्योंकि JP इंफ्रा के लेंडर्स की आज बैठक है जिसमें लक्षद्वीप के प्रपोजल पर फैसला लिया जाएगा कि उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। विजया बैंक के आज नतीजे आएंगे इसलिए इसमें खरीदारी बनती है, सेक्टर सुलगता नतीजे अच्छे आ सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में नज़र रखिए, ये डिपेंडेबल हमने इसलिए लिया क्योंकि इनका ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होता है, डॉलर की मजबूती अमेरिका की ग्रोथ इसको तेज़ी दे रही है। कैडला के 2 प्रोडक्ट USFDA से अप्रूव्ड हो गए तो वो इनके लिए अच्छी खबर है। ICICI बैंक के आज नतीजे आने हैं, नज़र रखिए इस पर, जितनी खराबी होनी थी वो हो चुकी है इसलिए हमें लगता है यहाँ से सरप्राइजेस मिलेंगे आपको, तो यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। MCX 4-5 प्रोडक्ट को सेबी ने ऑप्शंस ट्रेड लॉन्च करने की मंजूरी दे दी, वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। और ICICI सिक्योरिटीज़ में नज़र रखिए क्योंकि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अगर आप 11:55 तक होगी तो उन ब्रोकर्स को ज़्यादा फायदा होगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो ये है वो स्टॉक्स जिन पर आज आपको ट्रेडिंग करके मुनाफा मिलेगा। लेकिन बाजार की शुरुआत देखिए 10,650 के आसपास निफ्टी खुलने की तैयारी में है, करीब 30-32 पॉइंट ऊपर। आज नज़र काफ़ी हद तक रुपए पर भी है, लगातार 4 हफ्तों की गिरावट के बाद थोड़ी मदद मिलती हुई, करीब 6-7 पैसे का इजाफा वहाँ देखने को मिला। और साथ ही आप नज़र रखिए बॉन्ड मार्केट पर, क्योंकि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन हम कहते हैं RBI की भाषा में, जब वो बाजार से बॉन्ड खरीदते या बेचते हैं, तो 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया है RBI ने और उसका असर अगर आप देखें बॉन्ड मार्केट पे पॉजिटिव पड़ा है और इसी की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। बैंक स्टॉक्स के लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी। ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं कि यील्ड में गिरावट आई है, तो जब बॉन्ड के भाव बढ़ते हैं तो यील्ड गिरते हैं और यील्ड जो लगातार बढ़ रही थी उसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा था बाजार के ऊपर, क्योंकि
यील्ड जब बढ़ने लगती है तो ब्याज दरें बढ़ने का संकेत आता है, हर किसी के लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट आप देखते हैं खासतौर पे बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंक काफ़ी हद तक ऐसे हैं मिड साइज़ के जो बोरोइंग काफ़ी करते हैं, NBFCs काफ़ी हद तक बोरोइंग करती हैं, तो उन सब के लिए ये अच्छी खबर होगी और इनको बॉन्ड ट्रेड पे भी जो लॉस आ रहा था वो थोड़ा कम होने का संकेत मिलेगा। तो नेट नेट बैंक स्टॉक्स कैसे खुलते हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी अभी जो सेटल हुआ है 25,676 के आसपास, 30-31 पॉइंट ऊपर यहाँ पर शुरुआत की उम्मीद है हल्की बढ़त के साथ, तो इनफैक्ट निफ्टी इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इस खबर से जितनी मदद बैंकिंग स्टॉक्स को मिलने की उम्मीद थी अब तक वो संकेत साफ नहीं है। शायद ICICI को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसके चलते भी इम्पैक्ट हो सकता है। ICICI का स्टॉक भी आपके सामने लाएंगे, ये तो पॉजिटिव ही है, 0.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। PSU बैंकों पर शायद प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो एक बार खुलने देते हैं और फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। अरोबिंदो फार्मा में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, ल्यूपिन के लिए आज खराब खबरें आती हुई, तो फार्मा कंपनियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली खबरें आज सुबह सुबह निकल कर आ रही हैं। ल्यूपिन देखिए 1.5% नीचे खुलने की तैयारी आज के सत्र में करता हुआ दिख रहा है। नोसिल के अच्छे नंबर्स आए, इंडो काउंट के कमजोर नंबर्स आए, वो दबाव में रह सकता है। JP पावर के नंबर्स कमजोर हैं, BASF ये एक और कंपनी है और देखिए इसने भी कमजोर नंबर्स ही पेश किए हैं, तो काफ़ी सारे आज एक्सीडेंट्स मिड कैप सेक्टर में होने वाले हैं। लेकिन अच्छे नंबर्स के दम पर देखिए नोसिल 3.5% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। IFCI में भी देखिए आज 4% की तेजी देखने को मिलने वाली है, जिस तरह से ट्रेडिंग का जो समय बढ़ाने की बात हो रही है और एक्सचेंजेस ने इसका स्वागत किया है। IFCI के पास NSE के शेयर हैं तो ट्रेडर्स मानकर चलते हैं जनरली कि इसमें एक रैली बनेगी, तो देखिए 4% ये मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। और आइनॉक्स लेजर जैसी कंपनियों के भी नतीजे आ जाएँ, एक्साइड के नंबर्स आज आने वाले हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। फाइजर, विजया बैंक, आइनॉक्स, ये सब के नंबर्स आज आने वाले हैं, तो इन तमाम शेयरों पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए। टाटा कॉफ़ी के नंबर्स भी आज ही आने वाले हैं, तो ये तमाम कंपनियां हैं जिनके नतीजे आज पेश होने वाले हैं, तो इस लिहाज से प्रदीप इन स्टॉक्स पर भी नज़र रहेगी। बिल्कुल, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको फोकस रखना चाहिए। एक शेयर जहाँ पर हम काफ़ी अच्छी शुरुआत देख रहे हैं वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, और इसके भी नतीजे आए हैं और नतीजे के बाद आप ये पॉजिटिव रिटर्न देख रहे हैं आते हुए। अच्छा क्वार्टर रहा इस कंपनी के लिए, मिड कैप्स IT में जहां हमने काफ़ी सारे शेयरों पे दबाव देखा, खासतौर पर पिछले सेशन के दौरान हम ये देख रहे थे कि हेक्सावेयर के रिजल्ट के बाद एक करेक्शन देखने को मिला। NIIT टेक हालांकि बेहतर था। भसीन साहब, आपका क्या व्यू है इंटेलेक्ट डिज़ाइन इन पर्टिकुलर अगर आप ट्रैक करते हो, इसके अलावा NIIT टेक? नहीं, इंटेलेक्ट डिज़ाइन तो मैंने नहीं ट्रैक किया, लेकिन NIIT टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म किया है। इवन हेक्सावेयर नंबर्स आई थिंक, क्योंकि प्राइस हैड ऑलरेडी मूव्ड अप क्वाइट अ बिट, गाइडेंस तो उनकी रीजनेबली लगी है, तो आई थिंक मिड कैप IT में हम भी हमारे को जो दो टॉपिक है वो टाटा इलेक्सी है और माइंड्री है। माइंड्री कंटिन्यूज टू बी रीच टू कंटिन्यू टू बी आर टॉप फेवरेट ऑन डिक्लाइन, बट जैसे आपने कहा NIIT टेक्नोलॉजी भी एक आउट परफॉर्मर है। प्रदीप, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन शेयरों ने काफी स्ट्रांग रन अप देखा इन द लास्ट 2 मंथ्स, और इस कारण से कोई भी रैली में रिजल्ट चाहे आउट परफॉर्म भी किए हैं, देयर इज गोइंग टू बी प्रॉफिट बुकिंग। तो आई थिंक IT के लिए एक कंसोलिडेशन का फेज है, और हम अभी भी सोचते हैं अगर आपको 900 के करीब आइए इस फॉल में HCL टेक मिले तो वो जरूर पोर्टफोलियो में डालिए, क्योंकि हमें लगता है आगे जाते हुए क्वार्टर ऑन द BFSI स्पेस विल शो स्ट्रांग ट्रैक्शन ऑन द अपसाइड। चूंकि हम लोग लगातार ट्रैक करते रहे, देखिए टाटा एलेक्सी और माइंड्री यहाँ पे भसीन साहब के भी फेवरेट हैं, और साथ ही साथ NIIT टेक में पिछले सेशन में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी निचले स्तरों से, जो हेक्सावेयर की वजह से गिरा था पर उसके अपने नतीजे अच्छे रहे थे। क्या कॉल देते हैं आप इन पे? आप प्रदीप, थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है, मैं ये नहीं कहता कि वीक है, ऊपर से नीचे आए वापस ऊपर चलेंगे, लेकिन चौपिनेस थोड़ा बढ़ेगा, तो मैं थोड़ा सा बाय ऑन करेक्शन की बात करूँगा। अच्छा भसीन साहब, PC ज्वेलर जैसी कंपनी को आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को क्या कह रहे हैं? आज भी 10% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है और शुक्रवार को भी जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, अचानक से मूड माहौल थोड़ा बदल गया है या शॉर्ट कवरिंग के चलते ये रैली? आप कैसे पढ़ रहे हैं इस पूरे एपिसोड को? तो पहली बात तो हेमंत, एज ए डिस्क्लोजर, ये 98 और 100 पे हमने तो अपना गला भार काट के बोला था कि खरीद लीजिए और 150 का भाव आपको महीने तक मिल जाएगा, और वो 175 चले गया। जिसको खरीदवाया था वो तो उसने तो नहा लिया है। क्या बात? अब अगर वापस मिले ये आपको 125-30 में तो आप लीजिए। जो अटकली थी, जो अनरीजनेबल वैल्यूएशन था, वो सब करेक्ट हो चुका है।
और हमें लगता है ये जो बड़े एंट्रेंट्स थे पर्टिकुलरली फिडेलिटी एंड अ कपल ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, वो जो हायर प्राइस पे एंट्री थी और अब उनकी जो पैनिक सेलिंग हुई है. देखिए, फियर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय बिकॉज प्राइस इज इन योर फेवर. अब 100 रुपए में तो आपने उसकी वैल्यूएशन ही कम कर दी थी, बट आई कंटिन्यू टू थिंक ये एक ट्रेडिंग प्ले है. डोंट गेट स्टक विद इट. अगर इसमें स्टिकी करना है तो बेटर टू बी इन टाइटन. दिस होल सिनेरियो हैज चेंज, क्योंकि आपको जैसे पता है ये नीरव मोदी के केस के बाद बैंक्स हैव बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट और उसके साथ लेंडिंग हैज बिकम डिफिकल्ट ऑन लीवरेज. तो आई वोंट गो टू मच इनटू इट, बट जैसे आपको कहा 300 का शेयर जब 100 आए तो आपके पास ट्रेडिंग मौका है. बाकी तो आगे बाजार ही बताएगा आपको इसका क्या अटकली है. बट आई वुड स्टिल से यू गेट रैलीज, ट्राई टू एग्जिट, गेट इनटू अ टाइटन दैट हैज बेटर विजिबिलिटी एंड मोर क्रेडिबिलिटी. भसीन साहब, वक्रांगी पे भी एक जो खबर आ रही है कि इसके ऑडिटर्स ने ऑडिट तो छोड़ दिया है और उन्होंने काफी सवाल भी उठाए हैं इसके ऊपर, चूंकि ये गिरावट एक साथ ही शुरू हुई थी इन दोनों शेयरों में. पीसी ज्वेलर्स में ये जो पूरा बाउंस आया है, और आप इस पे थोड़ा पॉजिटिव व्यू निचले स्तरों पे दे रहे थे, आपने कहा है, हमने ये देखा है सालों में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अगर एक बार सवालिया निशान लग जाए तो फिर उस स्टॉक की डी रेटिंग ही होती है. यानी धीरे धीरे लोग वहाँ से दूर भागते हैं, उसके वैल्यूएशंस कमज़ोर होते जाते हैं और उसके जो नंबर्स भी बाहर आते हैं उन नतीजों पर थोड़ा लोगों को भरोसा कम होने लगता है. क्या आप कन्विंस हुए हैं जो पूरी सफाई पीसी ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने दी है पिछले दिनों में? देखिए प्रदीप, इट्स अ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. और जब मैं लोकल में ट्रैवल करता था बॉम्बे में, बांद्रा से चर्च गेट तक, तो मुझे गुजराती भाई बताते थे भाव भगवान छे. भाव के साथ चलने का मतलब इन शेयरों में खेलने का है. अगर आप इसमें अटकली लेके चलोगे तो बहुत मुश्किल है. फिर आपने 350 का भाव पे क्यों कहा था कि इट्स द बेस्ट मैनेज प्ले ऑन द कंजम्पशन साइड? तो आई डोंट फाइंड रीजनिंग इन दैट. ये तो स्केलेटन बाद में खुलते हैं और आजकल एक रिवाज बन गया, क्योंकि सेंटिमेंट वीक है, कहीं भी आप कोई अटकली खोल के उसमें रख दीजिए.